जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ डिपार्टमेंटली SI बनने की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त बार बार ये बोल रहे हैं कि सर SIGD की जो वैकेंसी है इसमें हम एज ए कॉन्स्टेबल लग रहे हैं तो क्या SI बन सकते हैं या DSP बन सकते हैं। इसके बारे में तो मैंने पूरा वीडियो बना दिया कि क्या 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 बन सकते हो, DSP बन सकते हो, SI बन सकते हो, ड्राइवर बन सकते हो या क्या क्या आप बन सकते हो, इसके बारे में पूरा मैंने वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो अब इसमें वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एज ए इसमें ज्वाइन करने के बाद में SI कैसे बन सकते हो, उसका क्या क्या पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा बायोडाटा इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा दूसरा चैनल फौजी मेहता अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप से जो नहीं जुड़े जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं और अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं नई नई PDF करंट GK के साथ साथ मैथ रीजनिंग की PDF डेली डालता रहता हूँ। तो आप अगर नहीं जुड़े अभी तक तो टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ जाए दोस्तों। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटली SI के लिए जो सबसे खास बात होती है वो क्या होती है। दोस्तों आप ये मान के चलिए डिपार्टमेंटली SI नहीं, मैं साथ में इसमें बात करूँगा जिनके PCM है उनको क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में भी बात करूँगा। ये दो चीज़ जोड़ दी है इसमें, PCM भी मैं जोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे खास बात रहेगी कि अगर आप SI बन रहे हो या PCM आपके सब्जेक्ट है, तो जो PCM वालों को पहले मैं बता दूँ कि PCM वाला जिनके भी PCM है वो जब एज ए कॉन्स्टेबल भर्ती होने के बाद में 2 साल सर्विस करने के बाद में रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम देके रेडियो ऑपरेटर बन सकते हो। ये मैंने पहले भी बताया वैकेंसी में, आज फिर बता रहा हूँ। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर नेगेटिविटी आ रही है कि सर हम ज्वाइन करें नहीं करें, हमारे PCM है, हमारा सब्जेक्ट अच्छा है, तो लेकिन उनको इस प्रकार से जा सकते हो। आपको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट में रेडियो ऑपरेटर की ड्यूटी क्या होती है, वो टेक्निकल विभाग से होता है, तो ज़्यादा हार्ड ड्यूटी नहीं होती है, अच्छी ड्यूटी होती है। डायरेक्ट हवलदार की पोस्ट होती है, वो SC की पोस्ट होती है हेड कॉन्स्टेबल की, और अच्छी पोस्ट होती है। यह आप केवल 3 साल मतलब 1 साल ट्रेनिंग और 2 साल की सर्विस के बाद ही ये पेपर देके आप बन सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं SI इसका पेपर का पूरा मैंने फंडा आपको बता रखा जो मेरा दूसरा वीडियो है इसका SCM रेडियो ऑपरेटर का, तो आप जाके देख सकते हो। अब इसमें बात करते हैं SI की। आपको बता दूं दोस्तों SI के लिए कई बच्चों को लग रहा है कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए, कईयों की एज अभी 24 साल हो गई, कईयों की 25 साल हो गई, कईयों की 23 साल हो गई, तो उनको ये डर लग रहा है कि सर वो डिपार्टमेंटली SI का एग्ज़ाम देंगे तो उनकी फिर एज का क्या पंगा होगा। देखो दोस्तों, जैसे अभी अभी एक CISF में आई है डिपार्टमेंटली वैकेंसी, इससे पहले CRPF में भी जैसे डिपार्टमेंटली जो वैकेंसी आई उसमें 32 है, लेकिन CISF में अब जो नई SI की वैकेंसी आई है उसमें 35 एज है। तो हो सकता है कि CRPF में भी या CAPF के जितने भी सेक्टर हैं उन सभी में इस प्रकार एज का क्राइटेरिया 35 हो सकता है लास्ट। तो यही नहीं, अगर आपकी 25 एज है तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप सभी SI की तैयारी कर सकते हो। उसके लिए जो मेन खास बात है वो आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप ज्वाइन करने के बाद में भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, एग्जाम के समय आपको छुट्टी मिल जाती है प्राइवेट रूप से। आपको सभी को पता है कॉलेज आजकल सभी प्राइवेट करते हैं, तो आप भी कर सकते हो, उसमें कोई अलग से बात नहीं, बिल्कुल आप ग्रेजुएशन कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहली बात है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद में ये वैकेंसी हर साल आती है या कितने साल में आती है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है दोस्तों। हर साल वैकेंसी नहीं आती डिपार्टमेंटली, कई बार 3 साल से, कई बार 4 साल से, कई बार 5 साल से इस प्रकार से ये वैकेंसी आती है। ज़रूरी नहीं कि हर साल ही वैकेंसी आए, लेकिन 3-4 साल में ये वैकेंसी डिपार्टमेंटली आ जाती है, चाहे हवलदार की हो चाहे SI की। जैसे अभी सभी डिपार्टमेंटों में डिपार्टमेंटली वैकेंसी आ रखी है, उसी प्रकार डिपार्टमेंटली वैकेंसी आती है। तो सबसे खास बात क्या रहती है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद में आपकी 4 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप 25 साल के भी हो तो 29 साल हो गई आपकी 4 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद। अब अगर अगले 4 साल में अगर 32 की भी मानो तो अगले 3 साल में वैकेंसी आनी 100%, तो उनमें से आप एक बार एग्जाम आप जरूर SI का दे सकते हो। और अगर 35 कर दी जाती है, हो सकता है 100% चांस है कि 35 कर दी जाएगी, क्योंकि इस बार जो CISF में जो वैकेंसी आई है उसमें 35 एज दे रखी है। तो अगर 35 एज कर देते हैं लास्ट, तो उसे आपको 1 या 2 डिपार्टमेंटली एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा SI पोस्ट के लिए। तो सबसे खास बात हो गई कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप ज्वाइन करके भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, जैसे मैंने BED की है ज्वाइन करने के बाद में, तो आप भी कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रकार से अपनी छुट्टी अरेंज करें। उसके बाद में फिर आपकी 4 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कोई भी पनिशमेंट या किसी प्रकार का लेट या किसी भी प्रकार का रेड बुक आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 1 साल की ट्रेनिंग और 3 साल की सर्विस 4 साल कंप्लीट होने के बाद में आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम दे सकते हो दोस्तों। जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होता है इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका फिजिकल में होती है रनिंग, 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग होती है। लड़कों के लिए 12 फीट लॉन्ग जंप होता है, लड़कियों के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप होता है, लड़कों के लिए 4 फीट हाइट जंप होता है, लड़कियों के लिए 3 फीट हाइट जंप होता है, और लड़कियों के लिए रनिंग 800 मीटर की होती है 4 मिनट के अंदर।
तो ये इसका क्राइटेरिया बहुत इजी क्राइटेरिया है, फिजिकल का ज़्यादा हार्ड नहीं है। लॉन्ग जंप अप जंप थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके आपके लिए फिट रहना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग में इतना फिट कर देंगे कि आप 4 फीट क्या 20-20 फीट ऊपर कूदोगे। फिर ट्रेनिंग में आपको ऐसे वुडन दस्ता बना देंगे, 20-20, 30-30 फुट ऊपर कूदोगे फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो मतलब फिर आपको फिट रहना है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। इसके बाद में फिजिकल होने के बाद में फिर होता है इसमें एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में होता है तो दोस्तों डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम होता है इसकी खास बात क्या है? सभी CAPF के जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे खास बात होती है कि इसमें इंग्लिश नहीं होती। मतलब आप चुन सकते हो इंग्लिश, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन में होती है, बाकी सेम टू सेम SSGD का जो सिलेबस है वो सिलेबस रहता है। और इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती होती है, जिस डिपार्टमेंट में आप सर्विस कर रहे हो उस डिपार्टमेंट के क्वेश्चन, जैसे उस डिपार्टमेंट का गठन कब हुआ, उस डिपार्टमेंट अभी कितनी बटालियन है, उसकी कौन सी बटालियन कहाँ है, अभी तुरंत में उस डिपार्टमेंट को कौन से मतलब रिवार्ड मिले हैं, या उस डिपार्टमेंट की क्या खास बात है, इस डिपार्टमेंट की ड्यूटियाँ क्या है, या इस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ ड्यूटी है, किस किस प्रकार की ड्यूटी है, अगर आप इस प्रकार की ड्यूटी में हो तो आपको क्या करना चाहिए, इस प्रकार के डिपार्टमेंटली कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे झंडा उतरने का समय क्या है, उसमें कितना राष्ट्रगान में टाइम कितना लगता है, आपका जो उसका जैसे अब CRPF तो CRPF गीत क्या है, BSF गीत क्या है, इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, के तैयार रखने के जो समय क्या है, उनको रखने का तरीका क्या, इस प्रकार के कई प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं डिपार्टमेंटली वो चीज़ भी ऐड हो जाती है। वो एक सर्विस गाइड आती है, या IPC की धारा भी पूछते हैं उसमें कि भाई कौन सी धारा के अनुसार कौन सी सजा होती है, कौन सी धारा के अनुसार आप काम करते हो, वो धाराएं भी आपको कुछ याद करनी पड़ती है। लेकिन जो बाकी जो सिलेबस होता है पूरा SSGD का है, और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में हो जाती है। तो ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है CPSI में, मेरे बहुत सारे दोस्त CPSI में केवल इंग्लिश के कारण रह गए होंगे, क्योंकि उसमें सेकंड पेपर जो इंग्लिश का होता है बहुत टफ होता है उसकी वजह से। और डिपार्टमेंटली SI में केवल एक ही पेपर होता है, दो पेपर नहीं होता है, मैं पहले बता दूं आपको, केवल एक ही पेपर होता है, दो पेपर नहीं होते। एक पेपर में ये सेम पैटर्न होता है, इसी प्रकार से ये पैटर्न होने के बाद में अलग से जो जुड़ता है वो है डिपार्टमेंटली, जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हो उसके बाद। फिर इसके बाद में रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में फिर आप जो जो क्वालिफाई होते हैं उनका होता है मेडिकल। मेडिकल वापस शुरू से आपका डिपार्टमेंट में उसकी वजह से नहीं होता, मेडिकल टोटल पूरा का पूरा मेडिकल आपका फिर से होगा। फिर आप मेडिकल फाइट होने के करने के बाद में फिर फाइनल मेट बनती है दोस्तों। अब बता दूँ इस पूरी प्रोसेस में आपको अलग से छुट्टियां भी नहीं लेनी पड़ती है। डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आप करो वो डिपार्टमेंट आपको एग्ज़ाम दिलवा के लाता है, डिपार्टमेंट ही आपका फिजिकल करवा के लाता है, डिपार्टमेंट ही आपका मेडिकल करवा के लाता है। यानी इस पूरी की पूरी प्रोसेस में आपकी एक भी छुट्टी ख़राब नहीं होती। आप जहाँ ड्यूटी करते हो वहाँ से आपको लेके जाते हैं, वहीं पर आपको छोड़ते हैं। ये सभी काम डिपार्टमेंट के खर्चे पर होते हैं और डिपार्टमेंट के द्वारा ही होते हैं। यानी इसमें खास बात यह है कि आपका ना तो जेब से एक पैसा खर्च होता है, ना ही जेब से आपका कुछ नुकसान होता है, ना ही आपकी छुट्टी का नुकसान होता है। मतलब पूरा का पूरा काम डिपार्टमेंटली होता है। अब बात करते हैं कि सर हमको तैयारी करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता। बहुत टाइम मिलता है, जितना मेरे को वीडियो बनाने का टाइम मिलता है। आप सोच लीजिए मैं वीडियो बना के भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आप तो कर सकते हैं, तो मतलब समय बहुत है। अब कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि पढ़ना है नहीं, बाद में नुक्स निकालने दूसरों में, तो वो तो चलेगा नहीं। अगर आप तैयारी करोगे तो 101% मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग SI बन जाते हैं कॉन्स्टेबल से। और बहुत सारे उदाहरण आप किसी भी फोर्स में पूछ लेना, तो वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे दोस्तों। तो इस प्रकार से सिलेबस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आपको समझ में आ गया हो तो लाइक मार देना, शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद।